ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लाइज एसोसिएशन का धरना डीआरएम कार्यालय पर एक सूत्री मांग को लेकर जारी है। एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रवर मंडल कार्मिक अधिकारी केपीएस मीना पर पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। यूनियन के लिए डीआरएम कार्यालय कैंपस में कार्यालय स्थापित किए जाने की मांग कर रहे हैं। यूनियन का आरोप है कि मंडल रेल प्रबंधक द्वारा यूनियन के लिए जो कार्यालय आवंटित किया गया है उस पर प्रवर मंडल कार्मिक अधिकारी का कब्जा है। धरने में चेतावनी दी गई है कि यदि मांग पूरी नहीं की गई तो पिछड़े वर्ग विरोधी अधिकारी का पुतला दहन किया जाएगा। धरने प्रदर्शन की बाबत जानकारी देते हुए एसोसिएशन के मंडल सचिव एसके यादव ने हमारे सिटी न्यूज संवाददाता को बताया, अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है। इसमें 25 मार्च से जो है अनिश्चितकालीन धरने पर हम लोग बैठे हुए हैं और शुक्रवार को डीआरएम साहब से एक वार्ता हुई थी तो उसमें प्रशासन की तरफ से ये हमें डीआरएम साहब ने ये बताया था कि भाई आप इसको ऑफिस को चेंज कर लो। तो मैंने पूछा था उनसे कि मुझे एक ये ऑफिस चेंज करने की के पीछे क्या कारण है, क्या समस्या है, किसको समस्या है वो बताया जाए। मैंने उनको ये भी बताया था कि 2 महीने पीछे जो है जुलाई और जून में जो है वाटर टैंक हटा दिया गया था, पानी की समस्या हो गई थी, पानी से कर्मचारी त्राही त्राही से चिल्लाने लगे थे, लेकिन उस समय कोई नहीं बोला, किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई ये पानी की वाटर टैंक क्यों हटाया जा रहा, लेकिन आज यहाँ पे तो कोई भी समस्या नहीं है। इस कार्यालय को हमें जो अलॉट किया गया है इसको मुहैया कराने में प्रशासन को कोई समस्या नहीं है। मैंने पूछा उनसे तो उन पर जवाब ही नहीं है प्रशासन पर कि भाई हम क्यों हटाना चाहते हैं यहाँ। तो हमारा धरना इसी उसमें जारी रहेगा अभी, और कल हमने जो है 150-200 के बीच में सीनियर डीपीओ के पुतले का दहन करने का भी अनाउंस कर दिया है, और आगे आने वाले समय में कुंभ में जो है हम लोग जो है जो भी अधिकारी हेडक्वार्टर से आएगा उसका भी घेराव करेंगे हम, और आगे जो है भूखड़ताल और अन्य अनशन वगैरह वो जो है वो आंदोलन को हम और तेजी से बढ़ाएंगे। इसको अगर प्रशासन नहीं इसमें जल्दी से जो है इसमें कोई डिसीजन नहीं लेता है तो आगे जो एक उग्र रूप जो धारण होगा यहाँ और उसका जो है जिम्मेदार सीधे सीनियर डीपीओ महोदय होंगे और ये रेल प्रशासन होगा। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा धरना चल रहा है 25 तारीख से, और क्योंकि हमें ऑफिस देने में नाकारी कर रहे हैं, चलिए मैं ऑफिस तो दिया जा रहा, लेकिन अब ये धरने को रोकना चाह रहे हैं। चलिए जो दूसरे संस्था के लोग हैं वो चाह रहे हैं कि धरने को रोका जाए, इसके लिए वो हमारे कर्मचारियों को और हमारे ओबीसी पदाधिकारियों को जो जहाँ सुपरवाइजर है उसको ताकीद की जा रही है कि वो उसको रोके, उस कर्मचारी को एक्शन करे ताकि वो धरने बनाए और हमारे धरने को सफल ना करे, क्योंकि ये बहुत ही नीच हरकत है, ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज करी जा रही है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ, इस तरीके से करने से ना ओबीसी डरी है ना डरेगी और अपना अधिकार लेकर रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद। धरने में ओम नारायण, कोकाराम यादव, खुशी राम मौर्य, देवी सिंह, मोहम्मद अरशद, राजपाल, अतीक अहमद, हरप्रसाद और काले सिंह आदि ने हिस्सा लिया।